मौसम ने मिजाज बदला तो लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। झमाझम हो रही बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं इस बारिश ने किसानों को कहीं खुशी दी तो कहीं उन्हें मुश्किल में डाल दिया। लगातार हो रही बारिश से जिन किसानों को फसल की रोपाई करनी थी उनके लिए तो बरसात फायदेमंद रही, जैसा कि तस्वीरें भी कह रही हैं। लेकिन दूसरी ओर फसलों के लिए बारिश किसी आफत से कम नहीं है। इसका बारिश का जी फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है जी। ये सूरजमुखी की फसल थी, पहले इसको मंडी में ले गए, मंडी में से वहाँ से बिक गई, फिर इसको घर ले आने के यहाँ आप देख सकते हैं ये पड़ी है घर में, यहाँ पर भी इस पे कीड़े पड़ गए और ये खराब हो गई है। इसमें सूरजमुखी में काटने नहीं दे रहा और सुखाने में भी बार से सूखने नहीं दे रहा। मक्की की फसल भी बहुत काटने नहीं दे रहा, इसी तरह बार से में भी बहुत खराब हो रहा जी। दरअसल मक्की और सूरजमुखी की फसल के लिए लगातार हो रही बरसात किसी आफत से कम नहीं है। अभी सूरजमुखी की फसल खेतों में खड़ी है और बारिश की वजह से कटाई नहीं हो पा रही। वहीं जो फसल कट गई है वो घरों में पड़ी सड़ने लगी है। हालात ये कि उसमें कीड़े भी पड़ने लगे। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिस घर में लोग रह रहे हैं वहाँ घर में ही फसल को पंखों के साथ सुखाने की कोशिश की जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सूरजमुखी की फसल ना पड़ी हो। धूप निकल नहीं रही जिसकी वजह से फसल सूख नहीं पा रही। वहीं मंडियों में भी किसानों की सूरजमुखी की फसल भीगकर खराब होने की कगार पर है। खेतों में भी कमोबेश सूरजमुखी की फसल के यही हालात हैं। मौसम की वजह से समय से कटाई नहीं हो पा रही। ऐसे ही हालात मक्के की फसल के भी हैं, जो पककर तो तैयार है लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उसकी भी कटाई पर विराम लगा दिया। वहीं बारिश से सब्जियों पर भी असर पड़ा है, सब्जियां खराब होने लगी हैं। देखा जाए तो किसानों को चारों तरफ से मार पड़ रही है। ऊपर से किसानों का ये भी कहना है कि सरकार ने पोर्टल भी बंद कर दिया जिसकी वजह से उनकी सूरजमुखी की फसल नहीं बिक पा रही। तो अभी मक्की खड़ी है, हम खेत में खड़े हैं, ये मक्की पक के तैयार है, परमात्मा रोज बरस जाता है थोड़ा बहुत तो काटने नहीं दे रहा, तो इसलिए किसान को फायदा तो इससे कम हो रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा। बहरहाल किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द पोर्टल को खोले और उनकी सूरजमुखी की फसल को खरीदा जाए जिससे किसानों का नुकसान ना हो। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।